नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल HDK को नए वीडियो में। दोस्तों, इमरान खान ने फिर से पाकिस्तान के अंदर में एक श्रीलंका जैसे हालात खड़ा कर दिए हैं। दोस्तों, PTI को जब CM के चुनाव में जब हार मिला, उसके बाद इमरान खान ने ये बोला कि मैं इस फैसले को नहीं मानता, और उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को सड़कों पर आके एतहाज और उनको धरना देने के लिए उन्होंने बोला, और उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को इतना भड़का दिया कि अब जो उनके पार्टी के लोग हैं वो पाकिस्तान को आग लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान की जब PM हाउस है उसके ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं और शहबाज शरीफ को भी जान से मारने की धमकी देने वाले हैं। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में अब वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के अंदर भी श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे और वहाँ भी हुकूमत के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाएंगे और PM हाउस को जला देंगे और वहाँ के मजबूर होकर वहाँ के PM को पाकिस्तान छोड़ के भागना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जो आवाम है वो इतना परेशान हो चुकी है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको मरना ही मरना है, क्योंकि इमरान खान भी पाकिस्तान को उसी तरह से लूट रहा है जिस तरह से शहबाज शरीफ लूट रहा है, लेकिन लोगों को ये बात उनके जहन में नहीं घुस रही है और वो खुद अपनी बर्बादी का कारण खुद से चुन रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप लोग देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता आपसे वीडियो के लास्ट में। कैंडिडेट का वोट कैंसिल, मतलब कौन से जहां में रह रहे हो? बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझे तो, अभी सामने थे मैं इनको मार डालूं दो चार को, तो फिर जेल ही है ना। सही है, आवाम का तो और मेरे बच्चों का तो सुकून होगा ना। मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे बच्चे और मेरे सब मुझे दुआएं देंगे। अब तो मौका मिले ना, जरदार याव सौ लगेंगे कराची में। हमेशा सुना था मेजोरिटी विंस, आज मेजोरिटी कहाँ गई? जरदारी आए ना, इसको नंगा करके मारेंगे के बच्चे को। मैं तो कहता हूँ जरदारी याव का ऑर्डर दो, वहाँ जाके आग लगाएंगे। इमरान खान के नुमाइंदे के साथ, इमरान खान के कारकुन के साथ और इमरान खान के साथ ऐसा किया। सच्चा आदमी है, पैसा नहीं खा रहा, इनको इनकी मर्जी की टिकटें नहीं दे रहा, अमेरिका को यस नहीं कह रहा, बाजवा और जो सब है इनको नो, एब्सोल्युटली नॉट। इनको यस बॉस चाहिए, यस बॉस करने वाला इमरान खान भी नहीं है और इमरान खान की कौम भी नहीं है। इन बेगैरतों को बोल दो एब्सोल्युटली, और सबका है। अच्छा, मुझे बताएं, आप यहाँ हजारों की तादाद में लोगों का क्राउड देख रहे हैं, क्या जज्बात है लोगों में, कितना गुस्सा है? बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझे तो, अभी सामने थे मैं इनको मार डालूं दो चार को, तो फिर जेल ही है ना। सही है, आवाम का तो और मेरे बच्चों का तो सुकून होगा ना। मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे बच्चे और मेरे सब मुझे दुआएं देंगे, इनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। चार पांच को मुझे यस कहे, मैं अभी मार डालूं, इस्लामाबाद भेजे। हम औरतें दो, मैं ही काफी हूँ इन चार पांच कुत्तों के लिए, तो ये कुत्ते जाएंगे तभी काम बनेगा पाकिस्तान का। देखें जी, इलेक्शन मैं ये कहूँगा कि बस अब पानी सर से ऊपर गुजर गया, हमारी आखिरी फाइनल उम्मीद जो है ये अदालतें हैं, मौजज़ अदालतें हैं। हम अपने लीडर की कॉल पर यहाँ पर हाजिर हुए हैं, हमारे लीडर ने कहा सिर्फ पुर अमन एहतजाज करना है, सिर्फ हम वही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं हुई, कल को पता लगेगा फिर 100 लोगों पे केस हो गए मगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा लीडर सिर्फ एक कॉल दे देगा ना हमें, अगर हमें इंसाफ ना मिला अदालतों से, फिर इसके बाद हमें अपनी ज़िंदगी भी अजीज़ नहीं है, हमें अपना मुल्क अजीज़ है। मैं उनकी वजह से चुप हैं, लेकिन ये लोग भी श्रीलंका जैसे हालात कर सकते हैं। बिल्कुल हो गए हैं, अब बस बाकी नहीं है श्रीलंका के, बस खान साहब की यस की कॉल की देर है, सीधा बुला बिलावल आग लगा देंगे आपको इंशाल्लाह। अब तो मौका मिले ना, जरदार याव आग लगाएंगे कराची में। हमेशा सुना था मेजोरिटी विंस, आज मेजोरिटी कहाँ गई? आज बच्चों के मेजोरिटी नहीं, आज मेजोरिटी नहीं थी हमारी, मेजोरिटी खान के लिए होती है, इनके लिए नहीं है। कहाँ गई को बोलो, आए मेरे सामने और को बोलो 6 घंटे वहाँ चौधरी शुजात के पास बैठा था, तेरे में हिम्मत है? यहाँ जरदारी को बोल, यहाँ मैं कह रही हूँ, यहाँ जरदारी आए ना, इसको नंगा करके मारेंगे के बच्चे को। मैं तो कहता हूँ जरदारी याव उसका ऑर्डर दो, वहाँ जाके आग लगाएंगे। और ये मैं आपको एक बात बता, जो श्रीलंका में हुआ वही पाकिस्तान में करो, और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। अब इनको पाकिस्तानी कौम के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो अभी तक घरों में सोए हैं? निकले, बहुत निकले, बहुत निकले में मेरे भाई, कोई घर में नहीं सोया, सब निकले हुए हैं। तीन लोग निकले, हर घर से निकल रहे हैं, दो दो लोग हर घर से, दो दो लोग निकले हुए मेरे भाई, निकले बिल्कुल निकले हैं से और न्यूट्रल से। काइंडली इन्वॉल्व हो जाएं, अभी इन्वॉल्व हो जाएं, ना कि वो हाल हो जाए जो श्रीलंका का हुआ है।
बाद में इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते वो हाल हो, हमारे मुल्क की रेपुटेशन पहले ही इन्होंने गिरा दिया, पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। हम बस इतना चाहते हैं कि इन चोरों, गद्दारों और डाकुओं को फौरन से फौरन अरेस्ट किया जाए और इनको सजा दी जाए। हम सिर्फ फौज, हमारी फौज सिर्फ बैरूने मुल्क के दुश्मनों के लिए नहीं है, अंदरूनी जो इतने करप्ट लोग हैं ये जरदारी है। 70 साल से हम इन लोगों को देख रहे हैं, हमारे बूढ़े आगे फौत हो गए हैं, ये लोग वैसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जरदारी शहबाज शरीफ, जरदारी नवाज शरीफ। यार इसके बाद लोगों को मैं कहता हूँ, जो लोगों को अभी तक नहीं पता लगा, मैं उन लोगों को इतना सा बस मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समझें, इमरान खान के बाद इमरान खान का बाप बेटा बेटी ने नहीं आना, इमरान खान के बाद अवाम ने आना है उसकी जगह पर, मगर शहबाज शरीफ के बाद हमदा शहबाज आएगा, नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज आएगी, जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो आएगा। यार इनका क्या, ये खुद क्या है इनका, ये हराम के पैसों के पीछे आगे आ जाते हैं। यार मैं प्लीज़ अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ ना मिला हमारा लीडर से एक ही रिक्वेस्ट है, इमरान खान साहब से हमें सिर्फ एक कॉल दे दें, हम अपनी जानें लुटा देंगे। सिर्फ एक कॉल दे दें, इन लोटों को घरों से घसीट के मारेंगे। हमें सिर्फ अपना मुल्क अजीज है, वह मूछों वाला जो कुत्ता पाला हुआ नवाज शरीफ से, उसे कहो कि मुझ पे भी केस कर दे, इन सब पे केस कर दे, मैं फिर भी लौटा ही कहूँगा तुम लोगों को। कितने लोग जेलों में भरोगे, जेलें कम पड़ जाएंगी। हम लोग अपने मुल्क बचाने के लिए यहाँ से हम बाहर निकले, इस वक्त भी हमारा लीडर हमें कहेगा, हम हर दिन रात निकलेंगे, मगर हम अपने मुल्क के लिए निकल रहे हैं। हम बहुत गलत हुआ, यानी जरदारी इस बीमारी को अल्लाह ख़त्म ही कर दे तो बेहतर है, अल्लाह ताला इसको उठा ही ले, जहाँ जाता है वहाँ फसाद फैलाता है। कितना गुस्सा है आपको जो आज किया, जो आवाम के जज्बात के साथ खेला गया, अक्सरियत थी, वाज़े अक्सरियत थी, कैंडिडेट को वोट कैंसिल, मतलब कौन से जहां में रह रहे हो, बिल्कुल गलत, जो किया बहुत गलत किया, और निकलना चाहिए घरों में, रहना नहीं चाहिए, जो लोग घरों में बैठे शर्म करें बाहर आए। असेंबली में वोटिंग हो चुकी है और डिप्टी स्पीकर ने हमजा शहबाज शरीफ को डिक्लेयर कर दिया विनर, तो इसका मतलब है कि वही पंजाब के वजीर आला अब बरकरार रहेंगे। अब यहाँ पे एक नई कानूनी बहस भी चढ़ गई है, वो बड़ी आसान है और ओपन एंड शॉट केस है, लेकिन है कानूनी बहस है और इसका फैसला मुझे लगता है कि अभी दोबारा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आवाम अब निकलेगी, आवाम बेजार हो चुकी है, इन्होंने महंगाई का तूफान लाया और इन्होंने बड़े बड़े पाकिस्तान की मईशत तबाह करी, बड़े बड़े स्टार्टअप आप देखेंगे इस महीने के अंदर बंद हुए, 3.5 साल में जितनी बड़ी फंडिंग हमने प्रीसीड फंडिंग ली थी वो सारी जितनी भी थी एयरलिफ्ट वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद हो रही हैं। ये इकोनॉमिक हिटमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका काम जो है वो श्रीलंका से बदतरीन हालात करना है। आज जो लोग घरों में सो रहे हैं, कल को इनके बच्चे बद्दुआएं देंगे इनको और इनको गालियाँ देंगे अपने माँ बाप को जो आज सो रहे हैं। अगर ये इनकी ना नमाज कबूल है, ना इनका रोजा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, क्योंकि इमाम हुसैन ने हज से 20 दिन पहले इक्तदार के लिए यजीद के खिलाफ जंग की थी, आज नहीं किया था, आज आखिरी मौका है। अगर आज सोते रहे, तुर्की की आवाम एक दिन निकली थी और आज तक पूरा मन सो रही है। आज इमरान खान जिंदा है, कल कोई नहीं है जिसके भी, या फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शायद ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बनती है, लेकिन आप ये देखें कि कफात अमल जो है वो कैसे अपने आप को दोहराते हैं कि इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल ना हो और न्यूट्रल ने हमारी हुकूमत गिरा दी और उसने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है उनके ऊपर बड़े इल्जाम लगाए, लेकिन साबित हुआ कि पंजाब में चौधरी शुजात न्यूट्रल हो गए तो पंजाब की हुकूमत भी नहीं बन सकी उनकी, और यहाँ पे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नहीं बल्कि मिस्टर जी ने काम दिखाया सारा जाके, जरदारी साहब का सब देख रहे थे। और कल रात को मुझे जो है काफी लोग, पाकिस्तान खूनी इनकलाब मांग रहा है और हम खूनी इनकलाब लाएंगे, हम अपनी लाशों पे से पाकिस्तान को आजाद कराएंगे। इनकलाब अब आएगा और इंशाल्लाह इमरान खान की कयादत में आएगा कि एक एक बच्चा जाग गया पाकिस्तान का, अब हम यहाँ गोलियां खाएंगे, पाकिस्तान को आजाद कराएंगे। आज हमें मुजीबो रहमान, आज हमें मुजीबो रहमान हीरो लग रहा है, आज हमें समझ
समझ आ रही है कि वो हमसे अलग होकर कितने खुश हैं और हम कितने जलील व ख्वार हैं, अपने इलाकों को छोड़ के जलील व ख्वार हैं। हम जलील हो रहे हैं, कल को हमारे बच्चे जलील होंगे। अब हम इस उम्र में कमा कमा के थक रहे हैं, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो गद्दार है हमारे मुल्क के। सर, ये जब कुछ पैसों के लिए अपने वतन अपनी माँ को बेच सकते हैं, ये कुछ पैसे इनको मिले ये अपनी सगी माँ को भी बेच देंगे। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए। सर, इनके साथ ये होना चाहिए। क्या किस हाल में लेकर आ गए सर हमारे मुल्क को? सर, किस हाल में लेकर आ गए हमारे मुल्क को? अच्छा, मुझे बताएं इस पाकिस्तानी कौम का क्या कसूर है जो रात के इस टाइम सड़कों पर मौजूद है, जो इमरान खान इक्तदार से बाहर कसूर ये है। सर, कसूर ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं। पाकिस्तानी है हमारा सबसे बड़ा कसूर है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये हमारा सबसे बड़ा कसूर है। बस सर, ने कहा कि यार जरदारी साहब पहली बारी नाकाम हुए हैं, तो मैंने उनको कहा कि जरा वेट कर लो, सब्र करो थोड़ा सा, अभी पता चलेगा। दिल्ली दूरस्थ 16 घंटे पड़े हैं और वो हमने देख लिया उसका रिजल्ट। काफ लीग के तमाम अराकीन ने या 10 अराकीन ने। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान के पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उसके जो लोग हैं वो किस तरह से दावा कर रहे हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान को जला देंगे और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और जो भी हुकूमत के समय में लोग हैं उनको वो मार देंगे। और जो महिलाएं हैं वो भी अब सड़कों पर उतर चुकी हैं और वो भी एकदम टक्कर वाला इमरान खान के साथ में मिलके गवर्नमेंट के खिलाफ में वो साजिशें कर रही हैं, यानी कि धरना देने का काम कर रही हैं और उनको मारने की धमकियां दे रही हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में अब वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं, और यानी होने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर में तो श्रीलंका जैसे हालात आ चुके हैं, तभी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ इतना सड़कों पर उतर रहे हैं। और इमरान खान इसमें सबसे मेन कारण है, क्योंकि इमरान खान ने ही पीटीआई के लोगों को हमेशा से गुमसान करने का काम किया है और उसने भड़काने का काम किया है और उन लोगों को मजबूर कर देता है कि वो सड़कों पर आएँ और गवर्नमेंट के खिलाफ वो साजिशें करें, गवर्नमेंट के खिलाफ वो आवाज़ उठाएँ। दोस्तों, जब भी इमरान खान को अपने चुनाव में हार मिलती है तो वो ये काम करता है, वो धरने करवाता है, प्रदर्शन करवाता है और अपने लोगों को बोलता है कि आप आइए और आप जुलूस निकालिए और आप रोडों पर धरना दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।